नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। घाघरा थाना क्षेत्र से करीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नेतरहाट हाईवे पर मोहिनी देह पुल पर बस दुर्घटना में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। महालक्ष्मी नामक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात बताई जा रही है। घायलों को 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा लाया गया, जिसमें रिनुआ देवी, पुकली देवी दोनों कटिया निवासी, कर्मू उराव पेरवा पाट निवासी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में किया गया, जबकि गणेश बनालात निवासी एवं जगदीश बड़ाई बिशुनपुर निवासी को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। उक्त बस घाघरा से बिशुनपुर की ओर जा रही थी, इसी क्रम में घटना घटी। बस में और भी लोगों के चोटिल होने की बात कही जा रही है। यात्री बस आधी पुल पर लटकी, बाल बाल बचे। यात्री पुल के नीचे नहीं गिरा यात्री बस, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता और कितने यात्रियों की जान भी जा सकती थी। आए दिन मोहिनी दाह पर दुर्घटना होती रहती है। इधर पहले हमें सूचना मिली थी कि गुमला से बनाला जा रही महालक्ष्मी बस जो है मोहिनी दाह पुल के समीप एक गड्ढे में अनबैलेंस होकर गिर गई है। सत्यापन हेतु हम लोग यहाँ पे आए और जो घायल लोग थे, 5 लोग ज्यादा जो गंभीर थे, उनको सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उसके अलावा जो छोटा मोटा चोट आया था उनको सभी को बिशुनपुर अस्पताल जहाँ से नजदीक है वहाँ पहुंचा दिया गया है। उसके अलावा जितने भी सामान गाड़ी में रखे हुए हैं उस सभी को हम लोग मालिक को हैंड ओवर कर दे रहे हैं ताकि किन्हीं का सामान कुछ गुम ना हो। उसके अलावा ये कार्रवाई की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सुबह सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग गाड़ी को यहाँ से निकाल लेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।